मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हो? मेरा नाम हैरियट है। पूरा कहानी मैं ही सुनाने वाला हूँ। देखो दोस्त, यह जो कहानी है ना, यह एक छोटे कुत्ते की कहानी है। इस कुत्ते की मालकिन का नाम मिस पम्फ्रे है। कुत्ता मत कहो इसे, इस कुत्ते का नाम ट्रिकी है। मैं शॉक हो गया जब मैंने बहुत दिनों बाद ट्रिकी को देखा। वह बहुत मोटा हो गया था। मिस पम्फ्रे ट्रिकी को बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसके कारण ट्रिकी बहुत मोटा और आलसी हो गया है। मैं जानता हूँ कि ट्रिकी का एकमात्र गलती यही है कि वह भोजन को कभी मना नहीं कर सकता है। मतलब ट्रिकी को जो कुछ भी खाने के लिए दिया जाता था ना, वह उसे खा लेता था। ओह मिस्टर हैरियट, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर ये ट्रिकी इतना मोटा और आलसी कैसे हो गया मिस? मैंने इसे थोड़ा क्रीम केक, हॉर्लिक्स और चॉकलेट दी है और बहुत सारी चीजें भी खिलाई हैं। मुझे लग रहा था यह बहुत कमजोर हो रहा है। इतना तो मैं भी नहीं खाता हूँ, अमीर कुत्ता है। चलो छोड़ो। मिस पम्फ्रे, मैंने आपको मना किया था ना कि ट्रिकी कोई मीठा चीज ना खिलाएं। ओह, मुझसे रहा नहीं गया। आप जानते हैं ना, मैं ट्रिकी से बहुत प्यार करता हूँ। देखिए, ऐसे ही चलता रहा तो ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा, इसलिए आपको इसे खाने पीने में कटौती करनी होगी। कम भोजन दीजिए और हाँ, इससे एक्सरसाइज भी करवाइए। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगी। मैं जानता हूँ कि मिस पम्फ्रे ना मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे ही इलाज करना होगा। ओह, मैंने बताया ही नहीं, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। हाँ, एनिमल वाला डॉक्टर हूँ। धीरे धीरे समय बीतते गया और ट्रिकी की तबीयत और खराब होते गया। मिस पम्फ्रे बहुत चिंता में है क्योंकि ट्रिकी ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया है। ट्रिकी सैर पर भी नहीं जाना चाहता है। वह हमेशा सारा दिन सोता रहता है और जोर जोर से सांस लेते रहता है। मैंने इस समस्या का समाधान के बारे में पहले ही सोच लिया था। मिस पम्फ्रे, ट्रिकी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मेरे हिसाब से ना, ट्रिकी को कम से कम 2 सप्ताह के लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मिस पम्फ्रे चिंता में आ गई क्योंकि ट्रिकी मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है, वह और बीमार हो जाएगा डॉक्टर हैरियट। लेकिन मुझे पता है कि अगर ट्रिकी को बचाना है तो यह करना ही होगा, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मिस हैरियट ने ट्रिकी को कंबल में लपेटा और अपनी कार की तरफ चलना शुरू कर दिया। ट्रिकी की हालत खराब है, वह हांफ रहा है। मिस पम्फ्रे उदास है क्योंकि ट्रिकी 2 सप्ताह के लिए उनसे दूर जा रहा है। जब वे हॉस्पिटल पहुंचे तो घर के कुत्तों ने मिस्टर हैरियट को प्यार से घेर लिया। मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को जमीन पर रख दिए। यह बेजान की तरह जमीन पर लेटा हुआ है। 2 दिनों तक ट्रिकी को सिर्फ पानी पिलाया गया, कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया। उसके लिए यही सही है यार। 3रे दिन ट्रिकी ने थोड़ी थोड़ी आवाजें निकालना शुरू कर दिया। जब मिस्टर हैरियट ने दरवाजा खोला तो ट्रिकी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। ट्रिकी बाकी कुत्तों से भी घिरा हुआ है, मतलब उनसे दोस्ती कर चुका है इतने दिनों में। धीरे धीरे ट्रिकी ठीक होने लगा। अब मैं उसे थोड़ा थोड़ा भोजन भी देने लगा। ट्रिकी बाकी कुत्तों के साथ खेलने कूदने भी लगा। इसी बीच मिस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को दिन में कई बार फोन करके पूछती है, डॉक्टर साहब, ट्रिकी ठीक हो रहा है ना? वह अब कैसा है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ट्रिकी ठीक हो रहा है, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ट्रिकी की ठीक होने की बात सुनकर मिस पम्फ्रे ने 1 दर्जन अंडे, 1 वाइन और बहुत सारी चीजें ना ट्रिकी के लिए भिजवा दिए। तो सर, आप यह सब ट्रिकी को खिलाएंगे क्या? क्या बोलता भाई, हम लोग मिलकर बात कर खाएंगे ना? कुत्ते का खाना खाएंगे सर। भग भैया,
मजाक कर रहा था सर। मिस्टर हैरियट और उनके साथी ट्रिकी के लिए भेजा गया खाना यानी भोजन खा गए। ट्रिकी को इतना भोजन की जरूरत नहीं है, नहीं तो वह वापस से बीमार पड़ जाएगा। मैं ट्रिकी को हमेशा के लिए यही रखना चाहता हूँ, लेकिन मिस पम्फ्रे इसको याद कर रही होगी। 2 सप्ताह बीत गए, अब फोन करता हूँ उनको। हेलो मिस पम्फ्रे, खुशी की बात है ट्रिकी ना पूरी तरह से ठीक हो गया है, आप आ जाइए और उसे ले जाइए। क्या सही में? मैं आती हूँ अभी। डॉक्टर हैरियट, ट्रिकी कहाँ है? मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। आप यहीं वेट करें, मैं अभी उसे लाता हूँ। ट्रिकी अब पतला और सुंदर स्वस्थ हो चुका है। जैसे ही ट्रिकी ने मिस पम्फ्रे को देखा, वह कूद कर उनके पास चला गया। ओह मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं? यह सर्जरी की जीत है। चलो अच्छा है, ट्रिकी ठीक हो गया। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।